हाँ जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा, आज 6 की 2 के क्लास में श्रद्धा जी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब उसको बात को जाने, और वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से समझा। तो श्रद्धा जी प्लीज़ शेयर करें अपने उस एक्सपीरियंस को। यस सर। सो आई डिड 6 की 1 फ्रॉम सर। सो तभी हम केस लाइव केस स्टडीज डिस्कस कर रहे थे। तो वन ऑफ द पेशेंट उसका यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिट कोल्डनेस एक्सेसिव आया और इंडिविजुअल भी फाइंड आउट किया। सो वी डिसाइड गाबा सर एंड जयश्री मैम ने बोला कि यूनिट से चालू करो करके। सो भी और सर ने भी बोला। तो वी स्टार्टेड विद कोल्डनेस सेडेशन, हॉटनेस टोन एंड ड्राइनेस सेडेशन। इस तरह मैं करते गई पेशेंट के ऊपर। सो ओवर अ पीरियड 1 मंथ किया लगता है, लेकिन देर वॉज अ चेंज। बट द पेशेंट सेड ओके है। मीन्स शी हैड द पेन एट द फूट रीजन, जो किडनी मेरिडियन रीजन, लाइक देर वॉज एन एक्सपांशन जो किडनी मेरिडियन का लाइन में एट द फूट इन साइड जो एक्सपांशन था। फिर राइट राइट पाम यांग साइड एलआई मेरिडियन का उधर भी एक पफिनेस था जो वो नहीं गया। बॉडी पेन था। सो ऑल दोज थिंग्स, बट शी वॉज फीलिंग बेटर, बट ओके था। सो देन सडनली विद इन दिस 10 डेज बिफोर आई थॉट कि क्या करूँ। आई डिड मेरिडियन जो कि दोनों हीट टोनिफिकेशन, उसको बाइलेटरल अच्छा सूट हो गया वो भी है। सो देन दैट ऑल्सो मीन्स फॉर अ सर्टन पीरियड, देन सर्टन अदर प्रॉब्लम स्टार्टेड पॉपिंग अप। सो देन आई सेड डिसाइडेड आई शी नीड्स यूनिट ट्रीटमेंट ओनली एंड लेट मी अगेन थिंक उसका जो इमोशनल लेवल। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन सैडनेस। सो फर्स्ट एनर्जी इंस्टेड ऑफ टचिंग फियर आई टच्ड ड्राइनेस सेडेशन, हॉटनेस टोन, हैप्पीनेस टोन एंड फियर सेडेट। एंड टू माय सरप्राइज एक सेशन के अंदर उसका देयर वाज सच अ चेंज, ब्यूटीफुल चेंज इन हर एंड शी गॉट गुड स्लीप। पफिनेस निकल रहा था कंप्लीट ऐसा ग्रेजुअली। और अभी मुझे लगता है 3 सेशन मैंने दिया है स्लीप हैज, नहीं तो उसको पहले 3 बजे तक नींद नहीं आता था। सो अभी तो एवरीथिंग इज शी स्लीपिंग गुड। पफिनेस ऑलमोस्ट गया है। ऐसा लगता नहीं कि उसको फिर से ट्रीटमेंट दे दो, ऐसा बोलती है। शी इज फीलिंग नॉर्मल ऐसा। सो दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड इन बिटवीन कि द फर्स्ट एनर्जी विच वी चूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइदर विच इज फियर या ड्राइंग सैडनेस। सो फियर उसको काम नहीं किया एंड एक्चुअली आई स्पोक टू हर। फियर इट वॉज नॉट द क्वेश्चन फॉर हर, बट द सैडनेस वॉज देयर। मीन्स शी मे नॉट बी या डीप इन साइड सैडनेस था। तो इट वर्कड वेरी वंडरफुल। सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल माई फ्रेंड्स कि द फर्स्ट एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चूजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन। Yes, that is called the dominant energy. So, after finding the constitution, we need to find the dominant energy, and dominant energy is very important. So, we need to work on that energy first. So, if your constitution is right, but the selection of the energy is wrong, the main first energy is wrong, then we may not get the desired result. And we have seen lot of time like this, that if you have started out even coldness, sedation, humidity tonification, and wind sedation, you are not getting the desired result. But once we change the first needle, we are doing the same constitution, same treatment, but the first needle has been changed. So we change from coldness to wind, wind, humidity, and coldness. Then we get wonderful result. Okay. And So, now yes. sir, friends, I have joined 6 ki 2 also sir. So I she has got hepatomegaly, splenomegaly. I hope by sir's end of the class I can Yes, heal yes, her, yes, yes, heal yes, her yes, in yes. her branch Yeah, level also. yes, yeah. Well, 61, we did basic constitution. In 62, we learn about the branch constitution. So, to become a good therapist, we should know what is happening on the unit level, what is happening on the individual level, and also what is happening on the branch level and sub branch level. So, we should know how to find a disease constitution also. Thank you, Good, sir. good experience. So, with experience only, we can learn. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. So anybody else, any questions? त्रिशूल जी का क्वेश्चन है ना। So त्रिशूल जी, डाउट कहाँ है? ये लावण्या जी, हैप्पीनेस मीन्स जनरली सी
happiness is actually not heat symptoms. Happiness and satisfaction is about hotness. Yeah, that's what I'm asking. Yeah. Okay. And she said her basic constitution is coldness unit constitution, sir. Basically, unit we don't say Unit is either excessive unit or is coldness excessive constitution. Yes. Okay. Yes, Trishul ji. हाँ सर मुझे टाइप में प्रॉब्लम है टाइप वन है कि टू है अच्छा आपका हमने टाइप टू डिसाइड किया था राइट बट आपका ये फाइनल कंक्लूजन है कि आविंड है या फिर ओम ह्यूमिडिटी है राइट आविंड से ज्यादा रिजल्ट अच्छा आ रहा है अच्छा तो ये आप या तो पूजा जी का डायग्नोसिस सही था कि आप हेट्रो पर्सनैलिटी है मुझे भी नहीं लगता मैं तो नहीं लगता नहीं हमको लगता है रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट आ रहा है त्रिशूल जी कंप्लीट हेट्रो है कंप्लीट हेट्रो है सब कोई आपको हेट्रो बोल रहा है आप ही बोल रहे हो तो आप इंट्रोवर्ट हो लेकिन पहले ही पूजा जी ने बोला था नहीं नहीं आप इंट्रोवर्ट नहीं हो चलिए कोई बात नहीं एक्चुअली मैम ने इसके लिए हमने कहा था कि इंट्यूशन यूज करना है बट एक्सपीरियंस और कभी कभी क्या होता है ना हम अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं बट सामने वाले क्या सोच रहे हैं इसलिए अपनी डायग्नोसिस खुद से नहीं होती चलिए तो टाइप परफेक्ट है टाइप टू मुझे हिसाब से आपका टाइप टू है क्योंकि उस टाइम हमने डिस्कशन किया था तो आप टाइप टू लेके अभी आपने कौन सा ट्रीटमेंट किया टाइप टू हाँ टाइप टू से ही कर रहा हूँ टायर्डनेस नहीं जा रहा है पूरी तरह से टाइनेस अब आपको थोड़ा लीवर के ऊपर काम करना होगा लीवर आप स्ट्रॉन्ग करिए थोड़ा सा रात में कितने बजे सोते हो आप 10 बजे 10 बजे ठीक है और डिनर कितने बजे कर रहे हो बस 9:30 बजे हाँ नहीं वो गलत हो जा रहा है ना हाँ वो गलत हो जा रहा है लीवर को थोड़ा रेस्ट देना होगा आप 7 बजे तक करके देखो आपका लीवर ऐसे ही वीक है ना हाँ ऐसे ठीक है तो आप डिनर पहले कर लो अभी तो कितने बजे घर में आते हो आप 9:30 बजे 9:30 बजे घर आते हो हाँ अच्छा अभी तो बाहर ही अभी बाहर अच्छा हाँ त्रिशूल जी का बिलिरुबिन इज ऑलवेज हाई दिया है हाँ एंड बाय बर्थ वीक लिवर दिया है उसके वजह से भी लीवर वीक रहता है ना उसका लीवर होमो कंडीशन में गया है तो सर अगर एरियो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो कौन सा ध्यान देना पड़ेगा हाँ जी यूनिट में भी टाइप टू रहता है यूनिट में भी रहता है बट यूनिट में तो हम चक्रा पे ट्रीटमेंट करते हैं ना तो उसमें टाइप वन टाइप टू नहीं देखते ना टाइप वन टाइप टू हम मेरिडियन में देखते हैं सर ओके हाँ जी सर मेरे बेटे को अभी सर्दी खांसी हुई है मैं एक्चुअली काफी टाइम से उसको एटलीस्ट 15-20 दिन से स्ट्रक्चरल टाइप 1 कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रही थी विन ह्यूमिडिटी कोल्डनेस एक्सेस तो सर उसको सर्दी खांसी में अस्थमा जैसा ब्रीदिंग डेफिशिएंसी जैसा होने लगा एक्चुअली उसको इससे पहले कभी नहीं हुआ है तो ऐसा हो सकता है सर वो टाइप 2 है लेकिन मैं टाइप 1 कर रही हूँ इसीलिए वो किडनी की प्रॉब्लम हो गई मतलब अस्थमा इज रिलेटेड टू किडनी ना अस्थमा यस तो सर मैं यूबी का कोल्डनेस सेडेट कर रही थी मतलब कि उधर किडनी का कोल्डनेस स्टोन हो गया होगा ना नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए आपने क्या कॉन्स्टिट्यूशन निकाला अहावेंडी है कॉन्स्टिट्यूशन टाइप 1 मुझे लग रहा था ठीक है बट फर्स्ट टाइम उसको लाइफ टाइम में ऐसा हुआ सर्दी खांसी में अस्थमा जैसा वैसे उसको एलर्जी है हमेशा होती है उसको सर्दी खांसी बट कभी इस टाइप का अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं हुआ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कभी नहीं हुई
तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन रॉन्ग होने की वजह से हो सकता है वो, मतलब टाइप वन की जगह टाइप टू हो सकता है। नहीं, पहले आपने ट्रीटमेंट किया तो रिजल्ट्स निकला है? पहले से रिजल्ट आया है? सब उसका समझ में नहीं आता है एक्चुअली, मेरे को एलर्जी में कोई चेंज नहीं लग रहा था मुझे। और ये एस्मा का अटैक कब आता है उनको? कब आया, कितने बजे आया? अस्थमा का अटैक है सच, उसको टाइम तो नहीं बोल सकती हूँ, रात को सुबह ज्यादा तकलीफ हो रही है उसको, सुबह तो टाइप टू हो गया ना? टाइप 2 हुआ। हाँ टाइप टू है। 3 to 5 लंग्स का टाइम है। लंग्स के टाइम में अगर अटैक आ सुबह रहा है, हाँ मतलब सर एकदम सुबह नहीं, मतलब 3 to 5 नहीं, हाँ ऐसा जो जब बहुत ज्यादा खांस रहा है उसके बाद ही हो रही है उसको वो प्रॉब्लम। तो खांसी कब ज्यादा हो रही है, ऐसा कोई टाइमिंग है पर्टिकुलर? नहीं सर अभी तो उसको वायरल हुआ है, तो फिर उसमें तो पूरा टाइम वो खांस रहा था, और खांसते खांसते उसको फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं था कभी भी। तो अच्छा, एलर्जी तो उसको बचपन से है, उसको होती रहती है वो सर्दी खांसी, तो उसी की वजह से मैं टाइप 1 कर रही थी उस पे कि उसकी एलर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो, बट उल्टा वो अस्थमा में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं तो फिर इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रॉन्ग जा रहा है। रॉन्ग जा रहा है ना। हाँ रॉन्ग जा रहा है। तो तो मतलब आप, अगर हम यूबी यूबी में कोल्डनेस सेडेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि किडनी में कोल्डनेस स्टोन हो रही है वो? नहीं, होने का चांसेस रहता है, ठीक है, रहता तो किडनी में है। हाँ कोल्डनेस स्टोन हो गई सर, तो फिर किडनी डेफिशिएंट हो गई ना, मतलब फिर हो सकता है ना वो उसी वजह से उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आप टाइप टू करके देखिए। मीना जी, हाँ आप मैंने कल कैमरा ऑफ कर दीजिए मीना जी। कल से स्टार्ट किया सर मैंने उसका, अभी अभी तक तो ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, मतलब यूरिन होल्डिंग कैसी है अभी उनकी? वो सर वो तो बोलता है अच्छी है, 1 घंटे तक वो होल्ड कर सकता है, उसके बाद उससे कंट्रोल नहीं होता है, फिर लीक होता है, टाइप हाँ तो टाइप टू है। हाँ 2 है टाइप टू है। सर। ये यूरिन होल्डिंग का कैसे डिसाइड करें एकदम करेक्ट? जैसे सी, ये बहुत टफ होता है, लेकिन क्या होता है, 1 आवर इज गुड कंट्रोल, बट उसके बाद जिनका स्ट्रांग होता है ना, दे कैन कंट्रोल फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स ऑल्सो, बट लीक नहीं होगा। लीक होने का मतलब है कि इट इज टेंडेंसी टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। ओके सर, मतलब इन एनी इसमें कितना भी होल्ड किया तो लीक नहीं होना चाहिए। नहीं लीक नहीं होगा वो, दे विल मैनेज। और कभी हो गया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर हो रहा है, दैट मीन्स इट नहीं इज, हमेशा होता है, मतलब हाँ 1 घंटे के बाद होता ही है लीक। हाँ 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 तो फिर वो डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। सिंस इट इज, एज इज गुड, मतलब एज कम है तो हैव गुड कंट्रोल, बट जैसे जैसे एज होगा और थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस ओके आएगी सर, तो डेफिशिएंसी की ओके तरफ सर। चला जाएगा। तो सर अगर पेशेंट 2 घंटे 3 घंटे भी अगर कर सकता है और फिर बाद में इमीडिएटली उसको लीक हो रहा है, तो भी फिर भी इसी चीज को भी टाip 2 में गिना जाएगा, नहीं 2 घंटे जैसे अभी तीन इन्होंने बोला घंटे एक हाँ, एक लेकिन घंटा लेकिन बोला। लेकिन लेकिन जिनका स्ट्रांग होगा ना, जनरली वो उनका लीक नहीं होगा। 2 घंटे बाद भी वो, दे विल होल्ड, दे विल फाइंड समवेयर एंड देन दे कैन गो। प्रसाद तो जी, सर प्लीज उसे टाइप स्टॉप द प्रेजेंटेशन, डोंट गो इनटू फिर प्रेजेंटेशन। तो उसे भी टाइप 1 गिना जा सकता है। हाँ, सो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वी नीड टू सी लॉट ऑफ थिंग्स। या लीकिंग गट इज ऑल्सो डेफिशियंसी। लीकिंग गट इज अ डेफिशियंसी ऑफ स्टमक, एलआई। या नीना जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, पूछिए क्या डाउट है। नीना जी हैज लेफ्ट द मीटिंग एंड देर वॉज सम क्वेश्चन फ्रॉम मेरिडियन सुजोकी ग्रुप। मेरिडियन सुजोकी ग्रुप, लेट मी क्लियर दैट क्वेश्चन इन दिस ग्रुप। ओके, सो क्वेश्चन ये था कि कैन वी यूज क्रिएशन साइकिल एंड फीडबैक फंक्शन इन 6 की? नो, दिस इज नॉट, वी कैन नॉट यूज इन 6 की, वी यूज एक्सियल रिलेशनशिप। एंड एक्सियल रिलेशनशिप एंड होमोहेट्रो ट्रीटमेंट कैन बी कंसिडर टाइप 2 ऑल्सो। यस, टाइप 2 ऑल्सो वी कैन कंसिडर। दिस इज अबाउट 6 की 2, 6 की। एंड देन देर वॉज क्वेश्चन दैट कैन लॉन्ग बी ऑल बी बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2, इज इट एप्लीकेबल एट थंब लॉन्ग मेडियन ऑल्सो?
So what should be the answer? Can long bowel is applicable in type 1, type 2? Who can answer? Long bowel meridian type 1, type 2 दोनों में होता है या नहीं? Sir, long bowel usually type 2 में होता है. Yes, yes. Long bowel means type 2. It is type 2 circulation, not type 1. Okay. Can we use bar magnet for pair ho hai long bowel meridian also? Yes, we can try ho hai also. Say lungs and li, gb and liver, kidney and ub, we can try. We can try. Then can't we use in structural type, sir, that long bowel? No, we can't use. Yeah. Sir, here I got a doubt, sir. Sir, long bowel, you say it's type 2 constitution, no? Yes, type 2 circulation, not constitution. Sir, type 2, okay, circulation. So okay. There is a direct link from energy enters through LI and leaves to stomach meridian. Yes. But yes. When you are doing type 2 constitution, LI and time-wise, if we do the organ clock, LI comes, then stomach comes in the cycle. No, they don't come axially opposite. Yes, yes. Time clock, organ clock. Yes, yes. So how to determine this, sir? Constitution making and... Constitution making is not related with this. Constitution making is totally different. And constitutional making, they come and axially opposite only, you'll pair them. No. Why you are mixing constitution with this? No, when we are going for organ specific time formation, then we are taking type 2 as constitution, no? Yes, yes, yes. So then stomach timing comes in the morning. Yes. It comes after LI. Yes, but in constitution, when you are doing it, as we are taking it in axially opposite, no, across the we are taking axially opposite because similarity and dissimilarity between the no. This is because the relation of chakra with the meridians. If you want to explain this from the meridian point of view, we cannot explain it. That's why this is the invention of professor, that he explained this point through the connection of chakra. So the meridian energy enters not directly from LI to ST. Energy will first go to the wind chakra, and from the wind chakra energy will go to the axially opposite humidity chakra, and from humidity chakra energy will go to the stomach meridian. So the axial relationship coming into the chakra, and that's why there is axial relationship between the energy. So that's why, to have a clear picture, that's this classification. I never got this classification in when I was learning TCM, but when I come to Sujog, I got this wonderful explanation. So this is the beauty of Sujog, that we can explain everything on and with logic. So can you explain this again once more? Then yes. when taking type 2 constitution, it is always advisable to treat on chakras, no sir? No. We can treat on meridian also. When we have confusion, at that time we use chakra. Because in chakra, energy is not changing. In meridian, energy is changing. So if you want to treat on meridian, we should know what is the circulation, whether it is structural or functional. Okay. Actually, you have attended long back. Now, again, you need revision. Missing links we need to connect. Missing link. But no problem. Sir, how many classes? No, it's always something comes on missing, sir. Because in a single session you'll not explain. Yeah, and see, again, that's why we are meeting every Sunday. Actually, what happened now? We did the class in three and four days. Now 4 days. Yes. So now we are doing on weekend. So for 1 month we are learning, so we can discuss a lot of things and with easy pace. Yeah. Yes, sir. So sir. He asked one question. Unka question ye tha. Hello, sir. Haan ji, Sanjay ji. मैंने एक explain किया है, मतलब दो तीन explain किए हैं. हाँ जी. कि मैंने इसकी constitution बनाया. हाँ जी. Okay. और मैंने मेरिडियन के ऊपर कलर थेरेपी किया. हाँ जी, हाँ जी. मतलब हाइपर एक्टिविटी का एक लड़का था,
उनको इपिलिप्सी प्रॉब्लम है और हाँ उनका मेडिसिन स्टार्ट है हाइपर हाँ एक्टिविटी, मतलब वो कुछ भी करता है, दंगा करता है, झगड़ा करता है, हाँ ऐसा इस प्रकार का, हाँ जी हाँ जी मतलब उनको मेडिसिन चालू है। तो मैंने उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हा हीट कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ओके, तो मैंने उसको कलर थेरेपी किया क्योंकि वो निडल से डरता है, घबराता है वो। तो मैं 15 दिन से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उनको, तो अभी वो रिलैक्स बना है, कोई काम हो गया है, स्टडी कर रहा है, घर की काम भी कर रहा है, टीवी देखना भी उन्होंने छोड़ दिया है, मतलब ज्यादा नहीं देखता, मतलब इतना उसका रिजल्ट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद। ऐसा मेरे थ्री थ्री क्वेश्चन थ्री पेशेंट को मैंने दिया। लास्ट टाइम 61 क्लास चल रहा था और मैं बोला और मैं भूल गया, मेरा शॉर्ट मेमोरी मेमोरी का प्रॉब्लम है ना, इसके वजह से उसी टाइम भूल गया था मैं। तो अभी मैं पेपर लेके बैठा हूँ, आज वो पेशेंट आया था। अच्छा, आपको कहूँ तो बिल्कुल हा हीट कॉन्स्टिट्यूशन था, तो मैंने आहा विंड सिडेशन, आहा ड्राइनेस टोन एंड आहा हीट सिडेशन और हॉटनेस विंड सिडेशन किया। तो राइट, मतलब ये रिजल्ट मुझको अच्छा लगा और मैं भी खुश हुआ हूँ सर। गुड गुड, बहुत एक्चुअली अच्छा, आपके बहुत वजह अच्छा। से सर, देख के देखेंगे बोला। आई डोंट नो, थैंक यू थैंक यू। ये सब आप लोग की एनर्जी है, आपकी स्माइल एनर्जी वर्क कर रही है, मुझसे जितना हेल्प हो रहा है आई एम ट्राइंग। एंड आप लोगों को केस हिस्ट्री बनाना है, केस हिस्ट्री बना के कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के वी विल पब्लिश ऑन आवर ब्लॉग ऑन वेबसाइट। सो काफी लोग मोटिवेट होंगे बिकॉज पीपल डोंट नो द पावर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट एक्चुअली। ओके थैंक यू सर। या वी नीड टू शेयर आवर रिजल्ट। अभी तक मैं कर रहा था, कुछ लोग कर रहे थे, अब हमारे पास 100 लोग हैं जो कर रहे हैं, तो वी नीड टू स्प्रेड दिस नॉलेज, स्प्रेड दिस साइंस। एक्सक्यूज मी सर, सर सर व्हाट मुझे लेफ्ट राइट कॉन्स्टिट्यूशन। या आई विल एक्सप्लेन दिस दिस इज दिस वाज द लास्ट मीटिंग्स क्वेश्चन अम्मी जी हैज आस्क्ड, बट आई मिस्ड दैट क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन दिस, आई एक्सप्लेन दिस इज लिटिल बिट टफ टफ, आई विल एक्सप्लेन। वेट, या नीना जी पूछिए। सर मुझे एक कंफ्यूजन है कि अभी मुझे कुछ वो मंदिर में जैन साध्वी जी रहते ना, उन्होंने बुलाया था ट्रीटमेंट करने परसों, हाँ तो जी कॉन्स्टिट्यूशन में अब उनको ये तो पूछ नहीं सकते, जैसे एक बार पूछा गुस्सा करते क्या, तो अभी वो उसके कजन सगी बहन थी उसकी बहन साध्वी बनी, तो बोले गुस्सा थोड़ी करते हम लोग, तो उस समय अब मैं वो बोले मेरे को ट्रीटमेंट लिख के दो, जैसे उनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है और ये दांत में, एक तो पहले घबराहट भी होती है उनको कुछ पूछने से, तो अब क्या करना कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फिर, मैंने क्योंकि वैसे उनको दुख दुख का भी नहीं पूछ सकते ना अपन। उनको 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 देखिए, वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस बता दीजिए, ठीक हाँ है, तो बेस्ट रहता है, क्योंकि वो लोग दूसरे से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, काफी रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो ट्रीटमेंट बोले ले हाँ लेंगे, यदि नहीं समझा तो, या तो फिर बोले हमको बता दो पहले एक बार, उनको हाँ तो ब्लीडिंग हर जल्दी जल्दी होती है 20-20 दिन में और ये सब। हाँ, क्या होता है कि देखिए, क्या होता है ना, इमोशन, ये स्पिरिचुअल लोगों से पूछना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ नहाते तो है ही तो नहीं, बोले हम मैंने नहाने का पूछ लिया गरम ठंडे का, तो बोले हम नहाते है ही नहीं, फिर हाथ ही धोते खाली। नहीं, तो आप उनके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस यूज करिए, सबसे बेस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं हम बनाना है, बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस यूज करिए उनके लिए। नहीं तो एकदम वही प्रॉब्लम बता दिए ना, वो बाकी तो समझ में आता, हेडेक वेडेक, लेकिन जैसे कुछ रहा तो फिर ऐसा। उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करिए, कॉरेस्पॉन्डेंस करिए, ज्यादा से ज्यादा मेरिडियंस जो कि यूज कर लीजिए, मैग्नेट यूज कर लीजिए, वही बेटर है उनके लिए। ओके सर, कैन आई शेयर वन थिंग सर? यस यस यस, सर डे देवर। बिफोर यस्टरडे आई थिंक अमावस्या राइट सर? हेलो सर, डे बिफोर यस्टरडे एक एक करके। हाँ जी सर, इज इट ऑडिबल? या लिटिल बिट इंक्रीज द वॉइस लिटिल बिट। थर्सडे इट्स अमावस्या ना सर? यस यस यस। So one of my clients, sir, he is 3 years plus. He is so hyper night, total night he didn't sleep. He came to therapy, and I said it coldness and hotness tonification, sir. Within 5 minutes he was cool. He was cooperating therapy. He didn't cry. He was so happy. Her brand was so much happy, sir, with the colors. Wonderful, wonderful, wonderful. Very good, very good. We need to share this all these things so that everybody can motivate, na? Even Amavasya Purnami,
you said na sir amavasya yes. Yes. According to lunar cycle he is doing that. Yes. In that yellow book you also said na sir coldness will be full moon. Yes. The axial relationship, because I can't make constitution for kids. Yes. I did with axial relationship. I noticed my hotness and I said it coldness. Yes. Very good. When you cannot find the constitution, do the axial treatment. You will also get wonderful result with the axial treatment also. People are doing this. Best part is to find a dominant energy and do the constitution treatment. But if you can find the dominant energy at least, then do the harmonize the axial treatment also. Where did she do the treatment? Our constitution, our side. He is a boy, so I take in a dominating hand. I saw our side, sir, left hand, our side. Chakra. Yes, chakra. Okay. What was the problem, Navita ji? Couldn't hear you. He is having effect on that Amavasya and Purnami problem. He will cry. He is not sleeping. He is not eating anything. He cried continuously. He didn't cooperate for therapy after doing that color. Within 5 minutes, sir, you can't imagine how calm he is. Wonderful. How old is the child? Three plus. Okay. In next month, December, he has birthday, sir. Fourth birthday. Good. Wonderful results. Wonderful. Thank you so much, sir. These are all with your blessings. Yes, sir. One of the experience trekking I want to share, sir. Many years back, so we had gone to some fort and 4 hours trekking, sir, walking 4 hours, getting down 4 hours. So the children were there with the family. So one child was, I think, 5 years, 6 years. She was walking all those things, and she climbed also. And after climbing the top, she said, "Now I won't get down, and I am tired." And she just slept. And we have to sit there for only half an hour, and then we have to get down before we're getting dark, sir. And the child is not listening only. Then I applied triogen, sir. Hetero point tone kiya. Within a second, the child got up. And aisa energy aaya sir, aisa chala ke humko khinch ke leke ja rahi thi. Then after some time we said it's better to, I and Milind were there in the trekking. So okay. We decided to remove the color. I said nahi to ye danger hai. super energy bola to humko khinch ke leke ja rahi thi. This is they respond with color very fast. Super sir, wo ye color ka mujhe yaad aaya ye bachche ka trekking ka. Hello sir. Yes, Sanjay ji. Hello, sir. Anji. Color therapy, आप जैसे बोल रहे हैं कि बहुत fast result आता है. सचमुच मैंने एक लड़का था आंध्रा का और मेरा यहाँ कर्नाटक में मेरे क्लिनिक में आया. वो खाना खाता नहीं था और खाते समय कम से कम 2-3 घंटा लगाता था और मोशन को जाने के बाद 1-1 घंटा टॉयलेट से नहीं आता था. ओके. मैंने सिंपल सोचा कि LI को टोन करना है. ओके. और ह्यूमिडिटी मतलब स्टमक को टोन करना है. ओके सर. ओनली सिंपल सोचा तो उसी प्रकार मैंने ओनली स्टमक के ऊपर येलो कलर टोन किया और LI के ऊपर ब्राउन कलर से टोन किया तो उनको ओनली 8 दिन के अंदर सर कि वो खाना खाने लगा, भूख नहीं लगने लगी और मोशन ओनली 2 मिनट के टॉयलेट में जाके बाहर आने लगा. इतना फास्ट रिजल्ट मैंने कभी नहीं देखा था बच्चों के, मतलब इतना कलर जस्ट टच सर, लेकिन कॉन्शियस से लगाना जरूरी है. ऐसा समझो कि ब्राउन कलर लगाना है तो कैसा भी हम और नेल से साइड से न जाते हुए हम जहाँ फिंगर जॉइन होती है वहां से ऐसा लगाया तो उसका रिजल्ट अच्छी तरह से नहीं आएगा. मतलब वो सिक्वेंस से गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है. और एक मेरा पेशेंट है सर, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, लंबर स्पॉन्डिलिसिस है, हेपेटोमेगली है और रेफ्ट रीनल में किडनी स्टोन है, गैसेस प्रॉब्लम है और मोशन कम से कम 8-10 टाइम जाता है दिन में मोशन के लिए और मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत बड़ा सोचने वाला, मतलब कंप्यूटर में वर्क करने वाला ऐसा कुछ लड़का है. उनका एज 40 है सर. तो मैंने ट्रीटमेंट दिया उनको, मेरे पास जब ट्रीटमेंट में देता हूँ तभी उनको सब कुछ कम होता है, ओनली 2-3 मिनट्स के अंदर उनको रिजल्ट आता है.
और मैं 3 डेज ट्रीटमेंट देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे वीक में आता हूँ उस सिटी में, तो उनको 50% रिड्यूस हुआ है लेकिन फिर शुरू होता है ऐसा बात बोलता है, तो क्या क्या करें इसके लिए। क्वेश्चन ये मेरा कि मेरे क्लिनिक में आने के बाद उसको रिजल्ट आता है ओनली 2 मिनट्स के अंदर, निडर लगा के मैं मेरे चेयर के ऊपर बैठने के पहले ही बोलता है वो कि सर अभी नाउ मैं अच्छा हूँ, मैं सब कुछ कम हो गया। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, आहा कोल्डनेस कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और उनका वो मैं आहा सॉरी सर, सुन रहे सर हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ बोलिए रहा है बोलिए, सर? हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैंने आहा हॉटनेस सेडेशन से स्टार्ट किया और आहा ड्राइनेस सेडेशन किया, सॉरी आहा हॉटनेस टोन, हाई ड्राइनेस सेडेशन और आहा ह्यूमिडिटी टोन किया और सोलार के ऊपर सेडेशन हॉटनेस किया। तो ये ट्रीटमेंट मैंने दिया था सर, और उसके साथ साथ मेरिडियन सुजुकी की किया था। देखिए, अगर आपके ट्रीटमेंट से रिजल्ट आ रहा है, बाद में फिर पेशेंट को बाद में प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे मैं एक प्रोफेसर ने एक इंसिडेंट शेयर किया था हम लोगों के साथ एक सेमिनार में, कि वो ट्विस्ट थेरेपी के सेमिनार में शेयर कर रहे थे कि पेशेंट को वो ट्विस्ट कराते थे, उनको पेन में आराम मिलता था, बट वो फिर से प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो सडनली पेशेंट प्रोफेसर एक दिन फ्री थे तो उनके ऑफिस में चले गए, राइट। तो प्रोफेसर ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वो क्या देख रहे हैं कि उनको से राइट ट्विस्ट हेल्प कर रहा है, ओके, राइट ट्विस्ट में उनको हील हो रहे थे, राइट। बट वो ऑफिस में गए तो उनका टेबल लेफ्ट ट्विस्ट में था, वो लेफ्ट ट्विस्ट में सारा काम कर रहे थे, ओके। ओके ओके तो हाँ उसके कारण से उनका प्रॉब्लम बार बार बढ़ रहा था, राइट। तो हाँ हाँ कॉज कहीं और है, ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं लेकिन फिर से दोबारा हो जा रहा है, तो उसके रीजन क्या होता है। कभी कभी हमें रूट कॉज फाइंड आउट करना होता है। अब रूट कॉज क्या, बीमारी का कारण क्या होता है। तो बीमारी का कॉज ऑफ द डिजीज के लिए मैंने जो वीडियो बनाया था, आप लोग देखिएगा कि कॉज क्या होता है, कि या तो ट्रायोजिन से 4 कॉज है, ठीक है। हेट्रो कॉज क्या है हमारा, हेट्रो कॉज क्या है हमारा, माइंड, यस सर, हाँ ओके ओके माइंड, हाँ यस सर, हेट्रो हेट्रो इज माइंड। होमो क्या है, फूड, बॉडी बॉडी फूड, बॉडी फूड, बॉडी। तो बॉडी के लिए हम लोग क्या है इंपॉर्टेंट, फूड, ये शरीर के लिए फूड ले रहे हैं ना, यस यस हाँ हाँ राइट। यस सर हाँ तो यस हाँ होमो कॉज इज फूड, राइट। हेट्रो कॉज इज माइंड। हाँ न्यूट्रो कॉज इज, न्यूट्रो इज लाइफ पोस्चर पोस्चर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर, ओके। यस सर एंड न्यूट्रो इज योर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट का अभी वायरस है एनवायरनमेंट में, या फिर जो भी अभी अमावस्या पूर्णिमा का जो चेंजेस है, दैट इज बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। सो पेशेंट का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, से पेन आ रहा है, सो पेन इज, अगर आपने किसी को बैक पेन का ट्रीटमेंट किया और दोबारा वो आ रहा है, फिर से पेन हो रहा है, तो समझने की कोशिश करना है क्या उनका पोस्चर रॉन्ग है, क्या हो या वो गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें पोस्चर की ट्रेनिंग देनी होगी, उनको कैसे बैठना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। फूड हैबिट अगर गलत है तो हमें फूड हैबिट चेंज करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप अच्छा फूड खा रहे हैं, क्वालिटी फूड खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, बहुत अच्छे फूड खा रहे हैं, लेकिन रॉन्ग टाइम में खा रहे हैं, तो दैट इज टाइमिंग इज योर लाइफ स्टाइल, रॉन्ग टाइम में खा रहे हैं तो भी आपको डिजीज हो सकता है। तो न्यूट्रो इज इंपॉर्टेंट, जैसे पोस्चर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर। अगर आपका न्यूट्रो स्ट्रांग है तो आप थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहेगा होमो हेट्रो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोस्चर एंड लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर, हमारा नेचर बिहेवियर कैसे है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से वो ठीक हो रहा है लेकिन दोबारा वो डिजीज आ रही है रिटर्न बैक, तो हमें कोशिश करना है फाइंड आउट करने के लिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्वेश्चनिंग करना है। अब बैक पेन है, किसी को ज्वाइंट पेन है, तो हमें उनका डाइट एंड पोस्चर के ऊपर जरूर ध्यान देना है। ठीक है, हाँ सर जी, ज्यादातर पेशेंट्स के जो मेंटल लेवल से ज्यादा आ जाती हैं डिजीजेस एंड दे आर जस्ट नॉट रेडी टू चेंज व्हाट टू डू देन। सो फॉर दैट सी वी नीड टू डू द काउंसलिंग, वी नीड टू एडवाइज देम स्माइल मेडिटेशन, और नीड टू चेंज द थॉट प्रोसेस, वी नीड टू हेल्प देयर इमोशनल ट्रीटमेंट, ट्रायोजिन इमोशनल ट्रीटमेंट वी हैव, सो विद दैट वी कैन हेल्प।
because every time I try, she's calm and over here, she comes when I'm crying, and then she's calm. I give her treatment, I try to settle down her mentally, I counsel her, and then she goes home after a week or two, and then she says she's again disturbed. So I don't know how to treat that. Why does she keep on bringing that sadness over and over again? So we need to actually, with sadness, we need to add gratitude. The neutral emotion. Yeah, neutral emotion. Quantify the neutral emotion, then only we can control the homo and hetero emotions. Oh, okay. So if you have gratitude, then you will not have sadness and resentment. Oh, okay. Okay. Hello. Sir, one more experience, sir, of the case study only. Can I share, sir? Kavita ji is trying to ask questions. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Sir, मेरे हस्बैंड को एवियन का प्रॉब्लम था। यस कैसे हैं वो अभी? अभी तो ठीक है, एक्चुअली अभी तक ठीक था। उनको मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने निकाला था उससे अभी तक तकलीफ नहीं हुई उनको। थोड़ा अगर वॉकिंग कर लेते तो, लेकिन आज सुबह से ना उनको लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम शुरू हुआ। अभी राइट में तो कुछ नहीं है। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने दी उनको काफी बार, तो उससे उसका ठीक हुआ। अभी उसका उतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज सुबह से बता रहे कि पहले राइट में था, अभी लेफ्ट में शुरू हो गया, सेम सिम्टम्स। हाँ, एक्चुअली मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए कि आपने क्या किया, कैसे हैं, तो काफी दिनों की बात नहीं हुआ था। तो अभी उनको हो सकता है आपको ब्रांच ट्रीटमेंट करना पड़े, उस ज्वाइंट में आके उस ज्वाइंट के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना हो, और लंबर ज्वाइंट में होमोसिलेशन करना हो। दो काम आपको करना है, ठीक है? हाँ, लंबर से होमोसिलेट करना है, एंड हिप ज्वाइंट में आकर उनके कम्युनिकेशन में जाके या ब्लड वेसल्स में जाके आर्टरीज का सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ इम्प्रूव करना है। सर, ये तो नहीं जमेगा इतना नहीं हुआ है ना, सिर्फ मेरा का ही हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आप मीना जी आपके साथ है ना? हाँ, मीना मैम है ना। तो उनको आता है ये? अभी है क्या वो साथ में? मीना जी 62 आता है ना आपको? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वो किचन में बिजी थे। ठीक है, आप उनसे बात करें, नहीं तो बाद में मुझसे उनको बात कराना आप। ठीक है, ठीक है। कविता जी के लिए आई विल ट्राई ऑनलाइन एक्यूपंक्चर। हाँ जी, राहुल जी क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन एक्यूपंक्चर यूज करके मैं कविता जी को प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व कर सकता हूँ सर मैं। हाँ हाँ, राहुल जी से आप ऑनलाइन कराइए। राइट। ओके, ना मैं राहुल जी से करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, और सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ जी, आपको थर्ड के पेशेंट में ड्राइनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन निकाला मैंने। हाँ जी, उसमें जो पेशेंट के पास से 6 सिम्टम है, जो प्रॉब्लम थे पूरे डिसअपीयर हो गए समझो। हाँ जी, जो नाइट यूरिनेशन, बाद में बार बार मोशन को जाना, और थका हुआ महसूस करना, यानी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन मैंने जो एक्सिस लिया उस एक्सिस में उनको थोड़ा सा हेडेक बढ़ रहा, तो वही एक्सिस कंटिन्यू करूँ या थोड़ा सा चेंज करूँ सर? नहीं, चेंज करना होगा ना, वही श्रद्धा जी ने चेक बताया ना, शेयर किया, चेंज करना होगा। एक्सिस भी चेंज करना हो सकता है, और डोमिनेंट एनर्जी का मे भी चेंज करना पड़ सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की जरूरत नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमें एनर्जी एक्सिस चेंज करना होता है। ठीक है सर। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, तो पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है? तो उसके बाद श्रद्धा जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। तो त्रिशूल जी ने क्वेश्चन पूछा है, यूरिन होल्डिंग इज वीक एंड नाइट यूरिनेशन इज देयर। सी, फॉर नाइट यूरिनेशन ना, हम लोग को क्या देखना है कि अगर एक बार नाइट यूरिनेशन के लिए गए हैं, ठीक है, तो उसको किडनी वीक नहीं मानना है। वंस, कभी कभी क्या होता है, नींद ब्रेक हुआ तो यूरिन के लिए गए, फिर आके सो गए। सो नाइट यूरिनेशन का मतलब है 3 times, 4 times, 1 or 2 को हम लोग किडनी वीक को नहीं लेंगे, ठीक है? जो फ्रिक्वेंट होता है कि बार बार उठना पड़ रहा, नींद ठीक से नहीं आ रही है, तो उस केस में हम लोग लेंगे। तो उस केस में हम लोग यूरिन होल्डिंग को ही वीक मानेंगे, किडनी को प्लस मानेंगे। तो हमें ये चेक करना है कितनी बार, सी क्रॉस चेक हमें करना है क्वेश्चन को, ठीक है? जितने, इसीलिए जो हिस्ट्री टेकिंग है पेशेंट को टिक करने के लिए नहीं देना है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता है कि हमें क्या आंसर चाहिए। उनको पूछना है, देन उनको क्रॉस चेक करना है, देन हमें एनालाइज करना है कि हमें क्या प्लस लेना है, माइनस लेना है, ठीक?
एंड अनिशा जी का है हाउ टू ट्रीट लेफ्ट साइड बॉडी टिंगलिंग सेंसेशन कॉज इज अननोन. सो होल बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन है अनिशा जी और सिर्फ हैंड में है लेग में है. अगर टिंगलिंग सेंसेशन है तो हमें बाकी पैरामीटर्स देखना होगा या फिर हो सकता है उनके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो या फिर ब्लड में विटामिन बी 12 विटामिन डी के डेफिशिएंसी हो. सो वो सब पैरामीटर चेक करके फिर हमें डिसाइड करना होगा ट्रीटमेंट. यस सर फुल बॉडी टिंगलिंग है. एंड उनका ब्लड रिपोर्ट क्या है B12 एंड विटामिन डी का? सर नॉट चेक्ड. ओके नहीं तो आप इनका चेक कराओ हीमोग्लोबिन चेक कराओ एंड विटामिन चेक कराओ तो हमें समझ में आएगा. हो सकता है हीमोग्लोबिन लो हो उसके कारण से भी हो. एंड क्या एज है? सर 48 अराउंड है. थायराइड की प्रॉब्लम है? नो सर. वेट कैसा है? सर नॉर्मल है उनका हाइट के अकॉर्डिंग. नॉर्मल है ठीक है. तो फिर आप हीमोग्लोबिन विटामिन B12 विटामिन डी ये चेक करके फिर मुझे बताना. जी सर. सर एक और क्वेश्चन है. हाँ पाल्पिटेशन हाई हार्ट रेट. हाँ इसका भी अननोन है तो इसमें क्या कर सकता है? हाई हार्ट रेट कितना आ रहा है? दिस इज टैकीकार्डिया. ओके 100 के ऊपर ही आता है. 100 के ऊपर आता है. हाँ जी सर. सो पेशेंट को कॉफी की आदत तो नहीं है? नो सर. अच्छा और कोई एंजाइटी? मे बी. हाँ सी क्या होता है ना ये जैसा पैथोफिजियो में मैंने आप लोगों ने अगर अभी तक पहुंचे हैं कि नहीं जो हाइपरटेंशन का उसमें मैंने बताया है कि कैसे हार्ट रेट इंक्रीज करता है एंड जो कार्डियक एरिथमिया में साइनस टैकीकार्डिया में. सो जनरली अगर कोई कॉज नहीं है तो इमोशन से होने से क्या होता है ना वो नर्वस स्टिमुलेशन ज़्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसके कारण से होता है. अगर अगर इमोशन के साथ और बहुत ज़्यादा आपको पैथोलॉजिकली करना है तो ऐसे नोड में एसिड रूम में जाके विंड सीडेट कर सकते हैं. एसिड रूम में कैसे जाना पता है? हार्ट की हॉटनेस इज उसका कम्युनिकेशन कंडक्टिंग सिस्टम. हार्ट की हॉटनेस ऑफ हार्ट. या एंड उसके बाद ऐसे नोड इज विंड. सो विंड सीडेशन इन विंड ऑफ द हॉटनेस ऑफ द हार्ट. ओके ऑलराइट थैंक यू सर. यू वेलकम. एंड देयर इज वन क्वेश्चन. अगर हमारे पास 15 मिनट है या श्रद्धा जी पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें देन आई विल डिस्कस द लेफ्ट राइट कॉन्स्टिट्यूशन. दिस आई हैव नॉट डिस्कस्ड एनी. एक थोड़ा मैं बोलूं बीच में. हां जी बोलिए. एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. हां जी मेल पेशेंट है. आहा विंड कॉन्स्टिट्यूशन बना है और डोमिनेंट एनर्जी भी आहा विंड है. वो ट्रीटमेंट चालू की थी सीडेट विंड आहा विंड टोन ह्यूमिडिटी एंड सीडेट कोल्डनेस. तो ये करने से पेशेंट की भूख बहुत बढ़ी. गुड. तो रात को 1 बजे भी वो बोलता है कि भूख लगती है मुझे. क्या एज है? एज इज अराउंड 50. अच्छा. तो 2-3 दिन के बाद मैंने बोला कि वो खुद कर रहा है तो उसके बाद बोला कि कोल्डनेस से स्टार्ट करते हैं. तो कोल्डनेस सीडेट किया पहले फिर ह्यूमिडिटी टोन की और विंड सीडेट किया. तो अभी भूख तो इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन एसिडिटी हो रही है. लेकिन वो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ह्यूमिडिटी डिफिशिएंट है क्योंकि वो नाम भूल रहा है और ये जो मेमोरी का है. मेन सिम्टम्स मेन प्रॉब्लम क्या है उनका? मेन प्रॉब्लम बहुत सारे है. जब वो स्कूटर पे जाता है और हवा ज्यादा लगती है तो हेवीनेस इन हेड वो है. एंगर है. सैडनेस है. सैडनेस हेवीनेस किस साइड में होता है? किसी पूरे में? नहीं पूरे इसमें होता है. अच्छा ओके. और हाँ हीट प्लस है क्योंकि चिकनगुनिया हुआ था अभी कोविड भी हुआ था. सो भूख बढ़ रही है मे बी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा कम हो रहा है. सिम्टम्स कम हो रहा है कंटिन्यू करिए.
और अगर कोल्डनेस से स्टार्ट करते हैं ना तो एसिडिटी बढ़ रही है, नहीं उनको फिर विंड सीडेट करिए, विंड सीडेट से ही चालू करते हैं ना, हाँ, हाँ, फिर चक्रा ऐड करना होगा। ओके 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 थैंक यू सर। ओके ये श्रद्धा जी आप बोलिए उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करूं। सर आई बी वेरी शॉर्ट सर बट वेरी क्विक। टू इंस्टेंसेस है, एक फिर से एक ट्रैक का क्या पावर है करके, क्योंकि वी वेंट फॉर द ट्रैकिंग और ट्रैकिंग में टू माउंटेन्स है एंड दूसरा व्हेन यू क्लाइंब वन माउंटेन और दूसरा माउंटेन क्लाइंब करने के लिए लैडर से यू हैव टू क्लाइंब एंड देन अ पर्सन ऑपोजिट साइड विल हेल्प यू टू क्रॉस। ऐसा था, वो थोड़ा नीचे देखेगा तो डर लगता है, बहुत डर लगता है। एंड व्हाट हैपेंड, सम ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, एक लेडी चढ़ी, दो लोग चढ़े, एक मैन भी था एक लेडी भी थी। देन ही द मैन गॉट डाउन, ही सेड मेरे से नहीं होएगा क्रॉस करने के लिए विद द सपोर्ट आल्सो। द लेडी वेंट देयर एंड शी बिकेम स्टैचू, उतरते भी नहीं है कुछ ही नहीं, उधर आंखें बंद करके खड़ा रह के टॉप में खड़ी है और हाथ भी नहीं देती है। तो वी वर थिंकिंग व्हाट टू डू करके, फिर ग्रेजुअली उसको कैसे ही उतारा, उचड़ो क्रॉस करने का उतारा, और उसके बाद जैसा वो नीचे आई आई डिड फियर सीडेट एंड कॉन्फिडेंस स्टोन, कॉन्फिडेंस स्टोन, और उसको रिलैक्स किया थोड़ा टाइम और उसको बोला रिलैक्स हो जाओ एंड व्हेन यू फील गुड गो अप। एंड ऑलवेज ड्यूरिंग ट्रैकिंग आई कैरी माई मैग्नेट्स एंड वंडरफुल रिजल्ट एंड पीपल नो मी, और श्रद्धा आ रही है तो हम भी जाएंगे करके। सो ये कलर ट्रीटमेंट किया, अमेजिंग सर, सीधा गई क्रॉस किया, क्लियर क्लियर। हाँ, और सेकंड इज रिगार्डिंग द केस स्टडी ओनली, दैट गायत्री का वी शेयर्ड इन द 61। She had a cellulitis, she was suffering like anything, and 1 month back, she's my cousin only, she was bedridden, she may be 54, but she was so weak in energy. So I told her, she went to all big, big doctors, she came during the lockdown to Mumbai to a very big doctor, then again she went back, there was no healing only, and the wound was so deep. She sent me photograph, then looking at photograph, I said, why don't you take Sujok? So she agreed. So I started on 15th September, and she says by end of the September, the results are so good. And now she said 90% of the cellulitis, that wound is gone. She doesn't feel the pain, and she's fully energetic, and she's moving in the house doing her work. And thanks to Gaba sir, he encouraged me. Shraddha, you can do online healing. This is the first online healing, sir, what I did. Okay, wonderful. Then there is a question in the chat box, then how can we do the distance healing? This is my first, he gave me the confidence. Then he told me, take a gloves, fill the cotton and do the needling. Yes. Many people are doing, Rahulji is doing. See, actually, distance healing, what they are doing, they are taking a model. And patient, Gabaji is doing on WhatsApp call. Patient is sitting in a WhatsApp call with a hand like this. And Gabaji is doing on the model. And the energy is transferred through the WhatsApp. Actually, the video is also not clear, sir. Then I tell her, switch off the video. And on the call only, I do the treatment. I said, I do yoga also. I teach her yoga also. So simultaneously, yoga practices, simultaneously, sujog, mudras, all these things I give, sir. And the best part of the mudra is she has financial issues, sir. Finance issue. Family. That's why all these problems, sir, from 3 years, she has started. So mudra also, first day I did the mudra, sir, on the two hours later she told me, there is a the person has contacted us, so just such a beautiful news, and there is a settlement going on now, sir. Wonderful. So this is very good news. Without WhatsApp call also it works. Yeah, without also, that will depend on your energy. You can see, we are also energy, and we can send energy anywhere beyond the space and beyond that time we can send, but we need to tune our energy in that sense. Okay, so directly if patient is in front of you, we can send your energy, but actually your energy also goes down, so you need to do meditation so that we can increase your energy. So if you are doing distance healing, I will advise you to all of you to do regular meditation. Yes, sir. Confidence stone means seated hotness tonification, right? No, sir. This is the old patterns. Aha hotness in the spinal cord meridian we used to do, no, sir? Yeah. That's why I'm telling, no? Hotness. Coldness sedate as fear sedate and heat tone as confidence tone. Heat tone. Spinal cord meridian heat tone. Confidence tone.
spinal cord median heat tone. Okay. Yeah, yeah. I did that only color, red color, both yeah. the points, sir. So wonderful, sir. Sir, इन्होंने magnet से किया या कैसे? No, no, color, color. Color, color. Okay. So only on meridian directly color, Shraddha ji. Yes, yes, yes. Okay. Yes, branch में, branch में. Gavaji, there is question in chat for COVID. Gavaji is COVID expert right now. Thanks to Gaba sir for motivating me. Yeah, he is motivating everyone, everyone. Yes, sir. Yes, sir. So 60 plus aged person had been admitted for COVID, was discharged, again is having fever, allopathic doctor is again saying to admit. So Gavaji can help for distance healing. I don't do distance healing. So you can take help of anybody, anybody for this COVID, for distance healing. If you are not confident, you can take the help. Yeah, color application, you can do. Sir, you can Sir, discuss with me tomorrow morning. Yeah, yeah, yeah. Please discuss with Gavaji. He will help you. He will help you. See, Lavanya ji, if it dryness constitution, branch constitution will depend on the condition of the eczema, whether it is humidity, dryness or coldness. Depending on the color of the skin and secretion for the skin, we have to decide that the branch constitution. Totally different topic. Now, we have fairly less time. I have to answer one question of the left and right constitution. See, what happens in the left and right constitution? See, we know यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है ना यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है से अगर जीबी भी एक्सेसिव है एंड लीवर भी एक्सेसिव है दोनों एक्सेसिव होने से क्या हो गया है वो यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया राइट सो ये यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन मेरिडियन लेवल पे है बट मेरिडियन लेवल में मान लीजिए दो साइड है ना जैसे मेरिडियन जो कि हमने किया था राइट एंड लेफ्ट दोनों का स्ट्रक्चर अलग रह सकता है ना लीवर मान लीजिए आपका लीवर एक साइड में एक्सेसिव है तो दूसरे साइड में डेफिशिएंट हो सकता है तो सेम चीज एप्लीकेबल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो कभी कभी क्या होगा ना जैसे मान लीजिए किसी का आप कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और उनका वन साइड में ना पेन आ रहा है एसआई एंड यूबी में ओके उनका वन साइड में एसआई एंड यूबी में पेन आ रहा है तो एसआई एंड यूबी क्या हो रहा है आपका लॉन्ग ब्योल बना रहा है ना सो लॉन्ग ब्योल बना रहा है इसका मतलब कि उस लेफ्ट साइड में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है सो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं अगर आपने राइट हैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया है से या फिर यूनिट ट्रीटमेंट किया है तो उनके लेफ्ट साइड के लिए आप एक्सियल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट जो मैं 62 में शेयर करूंगा जैसे यूबी कोल्डनेस सेडेशन एसआई हॉटनेस टॉनिफिकेशन लाइक दैट या जो बैलेंस करना है एक्सियल ट्रीटमेंट तो हम कर सकते हैं तो कभी कभी क्या होता है लेफ्ट एंड राइट में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है ठीक है ये अभी तक मैंने किसी भी क्लास में शेयर नहीं किया था फॉर द सेम पर्सन वी कैन हैव फॉर द सेम पर्सन Yeah, yeah. Left, right imbalance. Can you repeat, sir? See, this is for if you get some kind of patient, say you are finding the constitution and say it is type 1 constitution. Okay? Okay, sir. But then left side, they are having pain in the SI and UB. It is making long wheel. Mm-hmm. Or they have pain in the GB and TW. Or they have any symptom is LI and SI, LI and ST. So they are making type 2 constitution in the left side, type 2, or we can say the axial relationship. Long bial. In they are showing relation with the long bial. So we have to treat in the long bial in one side and normal constitution in the one side sometime. Okay. But this is rare, not always. So for unit. For unit, you have to do on chakra. Unit, you will not get this kind of question. This constitution you will get in the individual only. Okay, sir. Sir, I tried a few. Can I hear it? Yes. I was trying to sedate vomiting for a person. I tried sedation, humidity sedation on left hand, but it didn't work. It actually increased. But then I sedated humidity on right hand and quickly stopped within 5 minutes. So from that day, now I know I sedated on the right hand rather than on the left hand. Because left hand, it's directly on the stomach, whereas when we do it on the right hand, somehow liver is also connected with that. So I got a better result on that. Now I usually do it on the right hand. If somebody complains of vomiting or diarrhea or stomachache, I do it on the right hand. Okay. Yeah. That patient a male or female? No, it was my kid. My daughter. Daughter, na? Yeah.
So for female, we prefer right hand. No, I did with that. After that, I tried with others also. Sorry? With male also. After that, okay. I tried with male also. Okay, you. So you are doing on correspondence or chakra? What you are doing? Chakra. I did chakra. Okay. Only with simple color, sir. With the green color, when I applied on the left hand, I didn't have any result. On the contrary, it increased. And then I tried on the right, and it quickly gave me the patient quickly felt relief. So you put green color on chakra. Yeah, just a round circle on the chakra on green color with anti-clockwise side. Okay. So for vomiting, you sedate wind chakra. Yes, I did. But actually, vomiting is wind symptom. Yes, but I did try that too. But it gave me a better result on the Maybe because that patient is not giving me all the other symptoms. Maybe he might have humidity excess in him already in the constitution, maybe. But with the patients I tried, I generally got a good result with that. So maybe the chakra is not giving the result. Maybe correspondence is giving the result, maybe. Possible, sir. Possible. Yes, I think, yes, it's possible that maybe the... Sir, she is also using green color. Green color. Yeah. And I did with the anti-clockwise green color. Yeah. Yes, chakra. And maybe it's the correspondence. Yes, I can agree. But, because green color is going to tonify that chakra, no? No, humidity chakra is going to sedate. Oh, humidity chakra you are sedating? Yes, humidity chakra, not green anahata. Okay. Manipura chakra. Then we have to see the constitution. Yeah, but when we have an emergency, you know, we don't have time for selecting the constitution. So at that time, I just do it. Humidity tone green color for every patient? No, not always. Normally, I do it. Sometimes I know the patient and I normally do it. Because I have some general understanding that Their constitution is, whatever their constitution. Yeah, just for the immediate only emergency, I do that. Yeah, so for emergency, generally we prefer objective treatment, correspondence and Suzuki and all. So this correspondence works. I think it has worked for me. Yeah. I don't know the others, but it has worked for me. See, for anything, we need to see if you want to develop yourself, you want to develop the science, and in future you want to become a teacher, then we should know the logic. We should explain our treatment also, so that we can help our next future that we are doing this, that's why we are getting this result. And we cannot say we did this and we got the result. Okay, this is not the way. She is indirectly sedating humidity chakra, therefore tonifying humidity chakra and sedating wind chakra in the process. So see, in acute condition, we cannot go in the long way. That's what she's telling, actually. Yeah. The symptom of a patient is coming. First time I had it in my mind that our dryness, our humidity is digestive system. So first thing I had in mind that I better tone that up. Maybe that would also tone it. The patient who is coming to her repeatedly are informing of that vomit. No, they are already used to that vomit. They're not used to that vomiting. It happens not repeatedly. No. The first time symptom of a patient. Yeah, it was just a first time symptom. Okay. And I did that. Okay. So better to go with our side. Our side, yeah. Yeah. You got the result. It's very good. But you're getting the result. It's also very good. Your consciousness is working. But we should have the logic. Okay. Sir, can I share something? But I don't know how much it will be working. Yeah. It's regarding COVID only. My sister's father-in-law, he's almost around 80 years. Ma'am, symptoms were of... हाँ जी हिंदी में बात करें प्लीज हेलो हाँ जी मेरी बहन के ससुर जो 80 साल के हैं उनको सब कभी भी बुखार नहीं चढ़ा था तो ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज कोविड का था आई डोंट नो डर था कि क्या था उनका 102 हो गया एंड ऑल सिम्टम्स वर ऑफ
लाइक कोविड. सो अभी उन्होंने मुझे कॉल किया और पूछा हम क्या करें, तो मैंने मेरे पास एक ही है कि जब भी ट्रॉमा होता है या फियर है, द बेस्ट वे इज यंग कोल्डनेस एडिशन. सो एंड यू आर सो जो की हैज रियली हेल्प मी अ लॉट. सो आई टोल्ड हर बायलैटरल आप उनको कोल्डनेस एडिशन दे दीजिए, प्लस फॉर एनी वायरल लाइक इन्फेक्शन आई गिव वन मिक्सचर ऑफ हनी, जिंजर जूस, लेमन जूस एंड ब्लैक पेपर पाउडर, which I think I must have shared with almost, I don't know, my family, my near and dear ones, and it has given me amazing results. I'll share up with the group also. Good. So, I don't, if it was COVID, उन्होंने जब कराया तो it was COVID positive, लेकिन उन्होंने फिर एक ये भी बोल दिया कि MBMC वाले उनके पहचान के थे कि अभी negative है कि positive, अब ये मत पूछिए, report में हमें positive लिखना पड़ेगा. Oh my God. So, this is one of the very, you know, this thing. But definitely, sir, for any trauma, I think one can try for this also, young coldness. Yes. Because jab dur hai hamare se aur COVID ke bata rahe hain, so we can start with young coldness sedation. Yes. Sir, same. Sir, I'll just share one more thing. Sure. We had made one coldness constitution, sir, if you remember. It was scanty periods and perianal recurring abscess. So, मैंने आपसे बात की थी कि मैं मोक्षा से ट्रीटमेंट कर रही हूँ. सेडेशन मैं दो मोक्षा दे रही हूँ और टोनिफिकेशन एक मोक्षा. एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स एंड योर हेल्पिंग, दिस मंथ शी डिडंट हैड एनी पेरिनल एब्सेस. हर ब्लीडिंग वाज गुड एंड शी वाज हरसेल्फ फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि एक डर बैठ गया था, तीन महीने से वो रिकरिंग हो रहा था एब्सेस. वंडरफुल, गुड रिजल्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, थैंक यू सो मच सर, जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद द ग्रुप. आपको समझ नहीं आता इफ आई यूज द लॉन्ग मोक्सा. वो हमने मेडियन से जो कि मैं जो डिस्कस किया था वो सो इन दिस वन मंथ आई हैव गॉट द रिजल्ट. थैंक यू सो मच सर. आई ओनली नो द बेसिक सर, व्हाट इज सर टू मोक्सा एंड वन मोक्सा. द टाइमिंग वन, see, long time you are using, then it is homophase, though that will work as a sedation. Short time you are using, that is tonification, like that. Moxa with tonification and sedation. Sir, one more case regarding the fever only. A few days back, I and my daughter went out outing. We went in the car and we had some work also. And after coming to the house, her body was warm. So I did UV sedation, aha coolness sedation, and to add to it, aha heat tone kiya. After it took nearly 15 minutes to settle down or normal ho gayi. Lekin agla din fir se aaya fever usko. So maine kya kiya, UV sedation, aha coolness sedation, instead of touching aha heat, sir, I toned heat, sir. Toned heat, and within a fraction of sir, she says, mommy, I'm feeling normal. और उसको बुखार नहीं आया. सो व्हिच, सो इज इट बेटर सर, होम हीट टोन एंड आहा कोल्डनेस सेडेशन? यस, सम टाइम इट इज बेटर, सम टाइम इट इज बेटर नॉट टू सेडेट बट टू टोन. नहीं, आहा हीट भी मैंने आहा हीट टोन किया, आहा कोल्डनेस सेडेट किया था. आहा हीट टोन किया था, अच्छा. नहीं, तो सपोर्ट द सिस्टम. लेकिन उसमें उतना 15 मिनट लगा उसको सेटल डाउन होने में, नॉर्मल हो गया. लेकिन अगला दिन फिर से फीवर आया. Depending upon the feedback, the next day she got the fever. So I did touch aha heat, I toned heat. And pehla aha cold sedation and heat infection sedation karke. And heat tone. Uske baad wo within dalne ka, within few minutes, usne bola, mummy normal hai, this is better than the last time. And repeat bhi nahi hua. Yes. See, heat tone hone se kya ho gaya na, aapki body ki fighting capacity jyada bar gayi. सर ये केस मैंने आई हैड डिस्कस्ड इन 61, तभी आपने बोला ओम हीट का उसका चेक करो वेदर शी हैज थायराइड ऑल दोस थिंग्स. अभी इज दिस की उसका डेफिशिएंसी है सर, कैन आई टेक इट सर? यस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टेस्ट? यस चलेगा ना? यस सर. ओके सर, सर वन क्वेश्चन, सर वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. यस सर, राधिका सिंह, यू नो यू हैव ट्रीटेड हर, उनका सर आ कोल्डनेस टाइप 2 है. क्या मंथ, कौन सा मंथ? स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल में
टू सितंबर अक्टूबर उनको फीवर आता ही आता है सर, दिन में एक बार में इतना लंबा जी सर, हर साल उनको ये समर वाला जो टाइम है ना सर, समर में उनको फीवर आता है, दोनों समर में मतलब पूरा मतलब कि अप्रैल में जून जुलाई जुलाई अगस्त के अभी तक तो समर कंसीडर ही करेंगे सर, मतलब मॉनसून भी है समर भी है तो नहीं मंथ वाइज हमें एनर्जी हमें मंथ वाइज जाना होगा। ओके सर। हाँ, तो है तो उनका जो ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है वो तो कर रहे हैं सर, बट फीवर के लिए उनको कैसे हेल्प करें? कितना फीवर आ रहा है सर उनको? 100 आता है, कभी 99 रहता है, 99-100, और बिकॉज ऑफ ये एवरीडे का फीवर की वजह से उनको बॉडी वीक हो जा रहा है सर, वीकनेस लगता है। अच्छा, आप उनका लीवर एंड हार्ट को टोन करिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने बोला था कि अजय सर ने बोला था कि जब ऐसे आएगा, जब आपके पास गए थे तब नहीं था, तो उन्होंने बोला था अजय सर ने बोला था जब आएगा तो आप मुझे बताइएगा सर। सर शी शुड गो फॉर सीबीसी आल्सो। हाँ, ब्लड टेस्ट भी करके देख लेना होगा एंड चेकअप भी करके देखना होगा, फीवर अभी आ रहा है तो एक बार ब्लड चेक भी करिए, और हार्ट एंड लीवर को हीट एंड विंड 25 करिए कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर बताइएगा। ओके सर। एंड उनका ब्लड सीबीसी करके देखिए क्या, हाँ सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है, क्या है पिक्चर आप बताइएगा, ठीक है? ओके सर, आज यही कंक्लूड करें। यस सर। ओके सर। ओके, स्माइल था। एंड वी प्रोडक्ट यू को फंक्शनल ऑर्डर भी डाल सकते हैं। थैंक्स सर। हाँ, इम्यून सिस्टम फंक्शन ऑर्डर लिया मैंने की थी, मेरे पास आती थी एक, हर महीना उसको आता था। एक्चुअली में 4 पॉइंट में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि एक ही नीडल लगाना पड़ता, और इसमें मैंने फंक्शनल कर दिया तो उसको आना बंद हो गया था बुखार उस समय। क्या क्या फंक्शनल किया आपने? रिप्रोडक्टिव को फंक्शनल ऑर्डर। अच्छा, लॉजिक। और 4 पॉइंट में करे तो हर चीज एक ही नीडल में हो जाती है, फिर 4 पॉइंट एक्चुअली में बहुत जन यूज नहीं करते ना। नहीं, चलिए इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। स्माइल थैंक्स सर। स्माइल थैंक्स सर। स्माइल थैंक्स सर एंड स्माइल नाइट। स्माइल नाइट। स्माइल थैंक्स सर। स्माइल नाइट। स्माइल नाइट।